Hi friends, welcome to our channel Be The Logical, and I am Ritha, back with another video, and this time I'm coming with another blog and another unboxing of the hotcake of the market and mid-range flagship phone can be killed like this. And this is the Note 7 Pro. I ordered this one in the second sale. I can't order in the first one because I just tried to order in two phones at simultaneously. That's why I can't. So I just got this one today. So without wasting time, let's move to the main video itself. सो आप लोग देख सकते हैं पैकेजिंग जो ऐसे नॉर्मल से पैकेजिंग में आता है, कुछ भी प्रोटेक्शन दिया हुआ नहीं है, नॉर्मल सा, देयर इज नो काइंड ऑफ प्लास्टिक एंड नॉट नो काइंड ऑफ समथिंग. सो बहुत ही अच्छी बात है बिकॉज प्लास्टिक आपको लोगों को यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक का यूजेस. सो जस्ट कट दिस पैकेजिंग इन फ्रंट ऑल ऑफ यू. एंड मैंने ब्लू का ऑर्डर दिया है एंड मुझको आप लोग देख सकते हैं इसका प्राइस है ₹14,000 ऑर्डर किया मैंने. सो ओके, सो आप लोग देख सकते हैं पैकेजिंग जो है नॉर्मल सा आ जाता है. एंड इसका जो इंडियस नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड है, ये वाला जो ब्रांड है बहुत ही किल कर दे रहा है किसी ब्रांड को, बिकॉज इतना कम दाम में इतना सब कुछ दे रहा है. रेडमी नोट 7 प्रो 14 मेगापिक्सल द मेन सेंसर, सोनी IMX586 फ्लैगशिप सेंसर. सो ओके, एंड पैकेजिंग जो बहुत ही कमाल का है, एंड आपको जो ब्लू एंड रेड का जो एक कॉम्बिनेशन दे रहा है तो बहुत ही कमाल का है. एंड इसका जो क्वांटिटी आपको क्या क्या मिल जाए इसके अंदर में, एंड वन यूनिट मोबाइल फोन एडाप्टर और यूजी टाइप सी केबल आपको मिल जाता है. इसमें टाइप सी सपोर्ट करता है, वेलकम स्नैपड्रैगन का टाइप सी टाइप 4 फास्ट चार्जिंग भी यहाँ पर सपोर्ट करता है, बहुत ही फास्ट है. वारंटी कार्ड, क्लियर सॉफ्ट केस, बहुत सारा. मैक्सिमम प्राइस है ₹16,000, बट अभी ऑफर में इन लॉन्च 22,000 डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन वही वाला प्राइस है. सब मार्केटिंग का लॉजिक है. सो ओके, एंड आई ऑर्डर दिस वन ब्लू वाला एंड नेपच्यून ब्लू, यू कैन सी दिस वन, बहुत ही कमाल का. एंड इसमें जो मैं आप लोग देख सकते हैं क्या क्या मिलेगा, इसका जो स्पेसिफिकेशन यूएसपी ऑफ दिस फोन, दैट इज अ 14 मेगापिक्सल मेन सेंसर एंड 5 मेगापिक्सल द डीप ब्लर एंड स्नैपड्रैगन का 675, दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्नैपड्रैगन 2 GHz वाला. एंड आपको एड्रीनो 612 ये मिल जाता है, फुल एचडी डिस्प्ले एंड 6.3 इंचेस का. एंड इसका जो पीपीआई है वो ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं, लेकिन दूसरे वेबसाइट में दिखा रहा है इसका 409 पीपीआई है एंड 4000 एमएएच का बैटरी, तो बहुत ही कमाल का. सो आई गॉट जस्ट वन ऑफ कार्ड दिस वन डैन. सो कमाल का बॉक्स है, बहुत ही सिंपल एंड सोवर इसका जो पैकेजिंग एंड अनबॉक्सिंग होगा. एंड इसका पैकेजिंग में ऐसे आप देख सकते हैं इसके अंदर में क्या क्या है. सो इसके अंदर में आपको एक सम काइंड ऑफ केसेस एंड इसका जो सम काइंड ऑफ केस नॉर्मल से, क्वालिटी बहुत ही घटिया है, ये वाला क्वालिटी खास नहीं है. एंड आपको यहाँ पर जो सिमेट्रिक टूल यहाँ पर मिल जाएगा. ओके, एंड आई जस्ट गॉट दिस फोन इटसेल्फ, सो गॉर्जियस ब्यूटी, आई जस्ट लव टू साइड दिस वन एज साइड. एंड आपको जो फोन का फास्ट चार्जिंग जैसे नॉर्मल से आपको पोको F1 में दे रहा था, इसका रेटिंग है आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आपका जो रेटिंग इसका है, जिसका रेटिंग है 2 एम्पियर इसका जो मैक्सिमम आउटपुट होगा. फास्ट चार्जिंग सपोर्ट तो करता है, लेकिन उसका केबल शायद नहीं दिया. एंड क्वालिटी ऑफ द केबल भी आपको खास अच्छा खासा है, एंड मतलब नया है ये पुराना है देख सकते हो. ओके, आप लोग देख सकते हैं इसका लुक्स एंड ब्यूटी कितना गॉर्जियस है. एंड आपको 6.3 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है, दोनों ही साइड में आपको जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया हुआ है. एंड यहाँ पर आपको ग्लास पैनल दिया हुआ है, बहुत ही कमाल का है. इसका फास्ट बूट अप कर लेता हूँ, उसके साइड साइड आपको मैं फिजिकल वॉल भी दे दूंगा. सो ओके, आपको राइट हैंड साइड पे जो पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन दोनों ही मिल जाता है. लेफ्ट हैंड साइड आपका फोन आपको जो है हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है विद अ डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट नहीं है, अप टू 256 GB तक आप लोग यहाँ पर एक्सपेंड कर पाएंगे. एंड फ्रंट ऑफ द फोन आपको जो है हेडफोन जैक आईआर ब्लास्टर बहुत ही अच्छा है, सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है. एंड बॉटम ऑफ द फोन आपको जो है टाइप सी चार्जिंग एंड स्पीकर, वन स्पीकर इज मेन स्पीकर, सेकंड स्पीकर इज जस्ट लाइक आपको जो सराउंडिंग दे देता है वो वाला. एंड आपको बैक फ्रंट में आपको जो 30 मेगापिक्सल मेन सेंसर ऑफ कैमरा मिल जाता है, इसका न्यू फ्लैश एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कैमरा. एंड बॉटम ऑफ द फोन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ईयरपीस आपको मिल जाता है. एंड बैक साइड ऑफ द फोन तो बहुत ही गॉर्जियस है, रेडमी का ब्रांडिंग मिल जाता है एंड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर मिल जाता है एंड 14 मेगापिक्सल कैमरा का सेंसर का मेंशन है. एंड सिंगल टोन डुअल फ्लैश मिल जाता है and dual camera, that is the main is 48 megapixel. One is the Sony IMX586 sensor and one is the secondary sensor and maybe the Samsung ISOCELL sensor maybe. So थोड़ा बहुत मैं boot up कर लेता हूँ. So इसका fingerprint भी हम लोग दे देते हैं इसका and pattern कम fingerprint pattern भी देते हैं. Okay, fingerprint आपको हम लोग add कर लेते हैं, इसका fingerprint कितना fast काम करता है, इसका बहुत ही कमाल का fast है, तो देख सकते कितना अच्छे से. So okay, I just love to do another. Okay, एंड डिफॉल्ट बोले ठीक ठाक है. सो सेटअप कंप्लीट. सो इसका जो थोड़ा कवर फिट अप करके दिखाई देते इसका जो है कितना अच्छा लुक्स दे रहा है. एंड ब्लू के साथ तो आपको ट्रांसपेरेंट कवर यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज इसका जो ब्यूटी जो है वो दूसरे कवर से ढक जाएगा, तो कवर क्वालिटी बहुत ही खास है. लेकिन उसका
अगर रियलमी की तरह थोड़ा बहुत जैसे आइकॉनिक कवर होता तो अच्छा होती है, पर थोड़ा बहुत रिटेन होता, रेडमी दिखाई देता, 14 में तो कैमरा भी दिखाई देता, तो बहुत ही अच्छा लगता था। सो देख सकते हैं बूटअप फास्ट बूटअप हो गया एंड व्यूइंग है बहुत ही कमाल का, फुल एचडी प्लस डिस्प्ले आपको देखो मिल जाता है एंड कमाल का है, टच भी सुपर स्मूथ है, स्मार्ट असिस्टेंट भी आपको मिल जाता है। ओके एंड थोड़ा बहुत आपको डायरेक्ट गो टू सेटिंग्स आपको फोन का जो आपको अबाउट फोन में चला जाता है, आपको जो सिस्टम अपग्रेड तो नहीं चेक कर रहे तो मॉडल नंबर रेडमी नोट 7 प्रो एंड एनुअल वर्जन अभी यहाँ पर चल रहा है, आपको फेब्रुअरी फर्स्ट वाला चल रहा है एंड सी पी यू जो है 2 GHz वाला एंड रैम है 4 GB एंड आपको आउट ऑफ 64 GB 51 GB अवेलेबल है एंड आप लोग देख सकते हैं तो बहुत ही कमाल का है। एंड थोड़ा बहुत मैं इसको जो है चेक कर लेता हूँ, इसका जो मेन यूएसपी ऑफ दिस फोन है कैमरा, थोड़ा गोटो कैमरा ऑल्सो, थोड़ा बहुत मैं थोड़ा बहुत सेटिंग्स गो टू ऑटो इज डियर गो टू ऑटो एंड गो टू सेटिंग्स इटसेल्फ एंड आपको जो 40 MP यहाँ पर जो आपको डिफॉल्ट मिल जाता है सो ओके एंड सेटिंग्स में आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत मिल जाता है एंड एड टाइम स्टैम्प फोटो वाटर मार्क, लेकिन रेडमी का जो अभी तक फोटोग्राफर का नाम हम लोग ऐड नहीं कर सकते, बट मुझे लैकिंग पार्ट लगता है बिकॉज अगर हम लोगों का अपना खुद का नाम नहीं दे पाएंगे फोटोग्राफर का तो बहुत ही कम कुछ अच्छा नहीं लगता, जैसे वन प्लस ओप्पो एम बहुत सारे फुवाई में भी अभी तक नहीं है, तो ये वाला बहुत सारा अच्छा नहीं है। आपको जो पिक्चर क्वालिटी हाई है तो ये वाले मैं हाई कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत सेटिंग्स कर लिया मैंने। सो ओके एंड गो टू द एच डी आर यहाँ पर ऑटो है, सो ओके यहाँ पर फोटो सेटिंग्स में, तो अगर मैं एच डी ऑटो कर लेता तो वहाँ पर फोटो 40 MP नहीं आ रहा, तो नॉर्मल से मैं यहाँ पर शायद 12 MP शूट होगा, तो मैं इसका जो है पिक्स लेता हूँ थोड़ा बहुत। ओके आई जस्ट लव दिस फोन्स, फास्ट इमेज बहुत ही अच्छा है एंड इसका जो स्लाइडिंग शॉट मैं पोर्ट्रेट शॉट ले लेता हूँ एक बार। सो ओके अगेन आई जस्ट लव टू टेक दिस फोटो। ओके यहाँ पर आपको बहुत सारा मोड मिल जाता है, फोटो वीडियो नाइट स्क्वायर पैनोरामा प्रो मोड फॉर द एक्सपर्ट यूजर्स एंड मैं अभी तक उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ तो थोड़ा बहुत मैं नॉर्मल से ही चला जाता हूँ। सो ओके इसका फ्रंट कैमरा भी मैं दिखा देता आपको, सो ओके एंड इट्स लुक्स गुड ऑल्सो, सो थोड़ा बहुत मैं इसका जो एच डी आर ऑटो में चला जाता हूँ एंड यहाँ पर भी ऑटो थोड़ा बहुत करके। सो जो जो मैंने सैम्पल्स लिया तो आप लोग थोड़ा बहुत दिखाएंगे आपको कौन सा सैम्पल्स मैं लिया हो। सो ओके सो फ्रंट कैमरा क्लैरिटी बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत शायद अपडेट देने के बाद शायद अच्छा होगा एंड इसका भी कैमरा बहुत ही फास्ट इमेज बहुत ही अच्छा लगा एंड देखा डेप्थ ब्लर बहुत ही कमल का लगा एंड ये वाला मैंने लिया एंड इसका थोड़ा बहुत साइज में दिखा, इसका जो सेटिंग्स में जाकर इसका जो डिटेल्स कितना MB का है, नॉर्मल सा 12 MP तक हुआ है एंड 4.7 MB इसका जो साइज है, थोड़ा बहुत मैं इसका जो है 40 MP से मैं ले लेता हूँ इसका जो आप लोग दिखाएंगे कितना क्लैरिटी होगा शायद 14 MP। ओके जस्ट टेक दिस, सो थोड़ा बहुत वक्त लग रहा है 40 MP प्रोसेसिंग होने में। सो ओके एंड आप लोग देख सकते हैं इसका क्लैरिटी एंड समथिंग बहुत सारा बहुत एंड थोड़ा मैं थोड़ा मैक्रो शॉट भी ले लेता हूँ, सो इसका जो डिटेल्स चला जाता है तो इसका साइज है 11 MB इसका जो साइज है एंड बहुत ही कमाल का इसका, अगर शायद इसके पोर्ट्रेट में तो अगर शायद ये वाला नहीं होगा। ओके इन आई जस्ट लव टू एंड मैंने थोड़ा बहुत फोटो खींचा हुआ इससे तो आपको दिखाएंगे वन बाई वन आपको कितना कैमरा अभी फास्ट इमेज कैसा लगा।
आपको पता चल गया उसका कैमरा फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था? मुझे बहुत ही अच्छा लगा अभी तक फर्स्ट इंप्रेशन में, लेकिन इसका जो फ्यूचर में अभी टेस्टिंग करने वाला हूँ, उसका डेट रिव्यू भी आने वाला है, कैमरा कंपेरिजन भी मैं करने वाला हूँ रियलमी 3 विद पोको एफ1 OnePlus 6 एज वेल एज व्हिच एवर फोन आई जस्ट हैव। सो अगर आपको कौन सा कैमरा कंपेरिजन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन बोल सकते हैं। आई जस्ट ट्राई टू कवर अप द ऑल द कंपेरिजन। एंड इसका थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी मेजरमेंट कर लेते हैं, इसका टेम्परेचर अभी कितना है। सो ओके, आई जस्ट लव टू टेस्ट दिस वन टेम्परेचर। सो 36.2 डिग्री अभी सेंटीग्रेड चल रहा है, तो थोड़ा बहुत हीटअप हो गया मेरे हाथ में, अभी तक हीटअप लग रहा है, तो उतना भी फर्क नहीं है। सो ओके, बहुत ही अच्छा लगा मुझको। अगर आपको वाला प्रोडक्ट लेना है, इसका पूरा लिंक जो है आपको डिटेल सेक्शन मिल जाएगा, आप वाला लिंक यूज़ कर सकते हो, तो बाय दिस प्रोडक्ट मिलते हो ऑल्सो। सो इफ यू हैव एन डाउट क्वेरी क्वेश्चन दिस वीडियो इन दिस प्रोडक्ट यू कैन आस्क कमेंट सेक्शन, आई लव टू क्लेरिफाई ऑल फॉर क्वेरीज। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक द बटन, इफ यू डिड नॉट लाइक दिस वीडियो यू कैन ऑल्सो डिसले द वीडियो, एंड बिफोर डिसले द वीडियो प्लीज मेक श्योर एंड एडवाइस मी व्हिच वन आई हैव टू इंप्रूव। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू, सब्सक्राइब मी, प्रमोट मी टू ऑल फ्रेंड्स सर्कल, दिस इज एब्सोल्युटली